हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूंग की दाल का चीनी कंद। जिसे मूंग की दाल को कई लोग पसंद नहीं करते खाना, तो हम उसकी कई तरह की रेसिपी बनती है, उसमें से एक मूंग की दाल का चीनी कंद है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मूंग की दाल के जिमीकंद के लिए हम इतनी दाल ले रहे हैं। इसको भिगो के रख लेंगे 4 घंटे के लिए और 2-3 पानी से धो के अच्छे से फिर गलाएंगे। इसको धो लें। देखिए इस तरह से गला के रख देंगे 4 घंटे के लिए धो के। ये हमने 4-5 घंटे पहले मूंग की दाल गलाई थी, अब हम इसको पीस लेंगे। इसमें इतना अदरक डालेंगे और 1 मिर्ची हरी पीसेंगे इसके साथ ही। देखिए इसमें पीस लीजिए मिक्सर में। इसमें मिर्ची भी डाल देंगे और अदरक भी डाल देंगे। इस तरह से अच्छा कट्ठा मत इसको पीस लें। इसको देखिए हाथ से फेटेंगे हम। फेट रहे हम एक ही डायरेक्शन में फेटें। अब चेक करेंगे हम। ये देखिए अगेन, अब ये घोल हमारा तैयार है। अब हम इसमें इसमें हम 2 टीस्पून तेल डालेंगे। हल्का सा नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं। मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी और सौंफ डालेंगे। इसको हम वापस चला लेंगे। अब हम इसकी पोटली बनाएंगे और इसको पानी में अच्छे से उबालेंगे। पोटली कैसे बनाएंगे देखिए। थोड़ा हरा धनिया डाल दें हमने। देखिए इस तरह से छलनी को रख दें और साफ एक रुमाल ले लें, या आपके पास मलमल का कोई कपड़ा हो तो उसको कर लें। पहले पुराने जमाने में ऐसे ही बनाए जाते थे, अब तो स्टीम करके भी बना सकते हैं इसको स्टीमर में। थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे पोटली बना के, जब तक पानी उबाल लेंगे एक भगोनी में। इसका पानी निथर जाएगा थोड़ी देर में। इसको छलनी पर रख दीजिए, पानी निथरने देंगे हम थोड़ी देर। हम इतना पानी उबालेंगे कि हमारी पोटली पूरी डूब जाए इसमें। अब उबाल लेंगे पानी को, फिर पोटली को इसमें डालेंगे। देखिए जब तक पानी उबल रहा है, तो जब तक हम अपने मसाले देख लेते हैं किस तरह से। हमने ये 3 मीडियम प्याज लिए हैं और लहसुन लिए हैं 10-12 कली और अदरक का टुकड़ा लिया है इतना बड़ा और आधी मिर्ची ली है हरी, ये मसाले में डालेंगे। और धनिया पाउडर लिया हमने 2 चम्मच, आधा चम्मच ली है हल्दी
और एक एक चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। इन सबको हम पीस लेंगे मिक्सर में अच्छे से। ग्रेवी अच्छी बननी चाहिए इसकी। और ये हमने प्याज तड़के के लिए रखी है और हरी मिर्ची रखी है मसाले में डालने के लिए, और गरम मसाला लिया है थोड़ा सा, और दही लिया है, और एक तेज पत्ता है, एक डोंडा इलायची है इसको पिंच से ऐसे फोड़ लें, और दो लौंग हैं और जीरा है, और दो हरी इलायची लेंगे, और नमक लिया है। ये देखिए उबल गया पानी। अब हम इसमें कोटली को छोड़ देंगे और इसको जब तक पकाएंगे तब तक ये हो नहीं जाए, अच्छे से पका लेंगे इसको। उबालते रहें इसको अभी। तो ये देखिए अब दाल हो गई होगी इसमें, क्योंकि ये इसकी निशानी क्या है, ये पलट जाएगी पोटली, तो समझिए ये उबल गई। अब फिर भी हम इसको 2 मिनट सिम कर आंच पे करके और ढक के पकाएंगे इसको। 2 मिनट इसको ढक देंगे और स्टीम में होने देंगे। देखिए ये हो गई पोटली। अब हम इसको निकाल लेंगे। वापस छलनी में ठंडी होने पे खोलें। पोटली को खोल लेंगे। देखिए ये इस तरह से हो जाएगी। ये हमारा जिमीकंद तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसके पीस करके और डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए किस तरह से जिमीकंद तैयार हुआ है। जिमीकंद बन गया। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। देखिए किस तरह से हम जिमीकंद तलने के लिए तेल रख दिया है। देखिए डीप फ्राई करेंगे इसको। ये इस तरह से हमने टुकड़े काट लिए हैं इसके जिमीकंद के। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप इसको नाश्ते में भी खा सकती हैं चटनी से, अच्छे लगेंगे। देखिए इस तरह से तल लेंगे। ये देखिए तेल गरम हो गया। अब हम अपना मसाला भूनेंगे। ये देखिए जीरा, हरी इलायची, डोंडा इलायची, लौंग और तेज पत्ता हम इसमें डाल देंगे। तो ये जो हमने एक छोटी सी प्याज काट के रखी थी इसको भून लेंगे।
गुलाबी सा कर लें, हल्का गुलाबी करें, ज्यादा नहीं। ये देखिए कैसे भून लें प्याज को इस तरह से। अब हमने जो मसाला सब पीस के रखा है, प्याज लहसुन अदरक मिर्ची हल्दी धनिया ये सब हम अब इसका मसाला भूनेंगे अच्छे से, जब तक तेल नहीं छोड़ जाए मसाला, इसको भूनते रहेंगे। देखिए मसाले तेल छोड़ दिया, मसाला भून गया हमारा, डार्क ब्राउन भी हो गया है। अब हम इसमें जो हमने दही रखा है ये डालेंगे और भूनेंगे, दही डाल के भी थोड़ी देर भून लेंगे, एक साथ कर लेंगे इसको। थोड़ी देर दही को भूनेंगे, हमने मिर्ची काट के रखी है वो डाल देंगे इसमें, उसी के साथ भून लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हम उतना पानी डाल देंगे, क्योंकि जिमीकंद भी पियेंगे मूंग के हैं, इसलिए वो पानी वो भी पियेंगे, उसके भी अंदाज से रखें। वो डालेंगे पानी तो रखें पानी और इसको उबलने दें अच्छी तरह। देखिए अच्छी तरह पानी उबल जाए तब हम इसको जिमीकंद को डाल देंगे इसमें और धीमी धीमी आंच में ही इसको बनने देंगे, थोड़ी देर ढक देंगे इसको। ढक के पकाएंगे इसको ताकि ये पानी एब्जॉर्ब कर ले। देखिए सब्जी तैयार है। अब हम गरम मसाला डाल देंगे, ये घर का मसाला इसलिए हम इतना कम डाल रहे हैं। थोड़ा धनिया डाल देंगे, अब हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। ये लीजिए तैयार है मूंग की दाल का जिमीकंद, ये इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिया से। खाइए खिलाइए मौज मनाइए।